नमस्कार, मैं नील अग्रवाल, कक्षा 12 के सिलेबस में D139 में। और जैसा कल 138 में हमने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, अब उसके कुछ एप्लीकेशन है वो भी सिलेबस में है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, उनके बारे में बात करेंगे, इनका यूज कहाँ है। बिल्कुल सिंपल सिंपल उदाहरण है, सारे अपने पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन आता है तो ये जैसे सभी घटनाओं के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, उन वो एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये घटना किससे संबंधित है। उसके लिए जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वो है हीरे का चमकना। हीरा पूछ लेते हैं हीरे का चमकना किस के अंतर्गत आता है, किस घटना की, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे की कटिंग जो है वो इस प्रकार से की जाती है कि उसमें जब प्रकाश एंटर करता है, प्रकाश प्रवेश करता है, तो उसके बाद जब वो सामने वाले फलक पे गिरता है तो उसका आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से ज्यादा होता है, तो वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है और उसी के अंदर जो है वो मूव करता रहता है। इस तरह की कटिंग रहती है इसके अंदर। इसका जो क्रांति कोण है, ये बात ध्यान रखें, इसका क्रांति कोण जो है वो 42 डिग्री रहता है लगभग, और इसके लिए जो अपवर्तनांक का मान है 2.4 के समथिंग होता है, 2.4 के समथिंग। इसमें जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अपवर्तन के बाद अंदर जाता है, सामने वाले फलक पे जब गिरता है तो इसके लिए आपतन कोण का मान I इज ग्रेटर देन बाय C होता है क्रांति कोण से, और हमें पता है जब क्रांति कोण से अधिक होगा तो वापस वो उसी माध्यम में आएगा, इसी माध्यम में लौटेगा तो सामने वाले भुजा पे गिरेगा सतह पे। इसकी भी कटिंग इस तरह से ही है कि वो वापस इसी माध्यम में लौटे, इसी तरह प्रकाश जो है वो इसी के अंदर जो है वो रोटेट करता रहता है और हीरा हमें चमकते हुए दिखाई देता है। ये जो है वो है हीरे का चमकना। दूसरी एक घटना इसके अंदर लेते हैं, वो आती है इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो है मृग मरीचिका। ये क्या है, गर्मियों के दिनों में तेज धूप के समय दोपहर में हमें सड़क पर आगे पानी बिखरा हुआ दिखाई देता है। जैसे हम आगे चलते हैं तो हमें वो पानी थोड़ा और आगे दिखाई देता है, यानी जब हम रोड पे चल रहे हैं, बाइक पे हैं या किसी गाड़ी में या पैदल, तो हमें कुछ दूरी पे क्या दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है कि आगे पानी बिखरा हुआ है, हमें वहां चमक दिखाई देती है, उसी घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। अब वो घटना कैसे होती है, कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि जो रेज है वो सघन से विरल की ओर जानी चाहिए थी। ये हमने कल बात लिखी भी थी कि सघन से किधर जानी चाहिए, विरल की ओर जानी चाहिए, विरल माध्यम की ओर, पहले कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि जहां पर प्रकाश किरण गिरती है वहां पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, तो ये दो स्थितियां जब लागू हो जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थितियां होती है। और ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सड़क कैसा दिखाई देता है, रेगिस्तान में भी गर्मियों के दिनों में तेज धूप के कारण रेत पूरी गर्म हो जाती है, तब भी हमें वहां आगे जलाशय होने का दृष्टि भ्रम होता है। दृष्टि भ्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाकई में वहां होता नहीं है जलाशय, हमें केवल महसूस होता है कि वहां जलाशय है, और वो भ्रम जो है वो घटना ही क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब ये घटना कैसे होती है, जैसे मान लें कि यहां पर कोई पेड़ है आगे, और यहां से कोई व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो किसी भी ऊंट पर घोड़े पर कैसे ही हो, यहां बैठे हुए तो यहां से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं हमें कौन सी वस्तु दिखाई देती है, जहां से चलने वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है वो हमें दिखाई देती है।
तो यहां से जब प्रकाश किरण चलती है तो क्या करना होती है, तेज गर्मी है तेज धूप है, तो उसी स्थिति में यहाँ के जो वायु है इसके सतह के पास की वायु वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो नीचे वायु की कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व का मतलब क्या है, इकाई भाग में उपस्थित वैल्यू वही घनत्व होती है। तो यहाँ इकाई आयतन में कणों की संख्या कम हो जाती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं उसके तुलना में वहां पर कण पास पास होते हैं तो वहां घनत्व ज्यादा होता है। इसका मतलब नीचे विरल माध्यम होता है, ऊपर उसकी तुलना में सघन होता है, और ऊपर जाते हैं तो वायु ठंडी होती है और कण पास पास होते हैं और सघन होता है, और ऊपर जाते हैं तो और सघन होता है। इस तरह से ये कहें कि प्रकाश किरण जब यहाँ पेड़ से चल के आ रही है तो वो यहाँ कौन सा माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है, और नीचे यहाँ कौन सा माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम। हर बिंदु पर इसकी सतह चेंज हो रही है, हर बिंदु पर कि यहाँ जितने कण इतने पास पास है तो यहाँ पर इतने होंगे, हो सकते हैं यहाँ पर इतने हो, यहाँ पर इतनी दूर दूर हो, तो हर जगह माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं सघनता कम होती जा रही है, विरलता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ इस सतह से जब चेंज होगा तो क्या होगा, प्रकाश की थोड़ी मुड़ जाएगी, यहाँ और मुड़ जाएगी, यहाँ और मुड़ जाएगी, यहाँ आते आते क्या होगा, वो वापिस उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा और वो वापिस क्या होगी, इसी माध्यम में लौट जाएगी, और इसको क्या इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचेगी, आंखें उसको दिखाई देगी। अब हमें पता प्रकाश किरण जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो इसको क्या लगेगा, इस देखने वाले को लगेगा कि प्रकाश किरण यहां से नहीं आ रही, इसको लगेगा कि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और उसको उस पेड़ की इमेज जो है वो दिखाई देगी इस प्रकार से। तो उसको ये पेड़ क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, और उल्टा दिखाई कब देता है, जब कहा किसी पानी के पास की कोई पेड़ है तो वो उसकी छाया हमें उसके अंदर उल्टी दिखाई देती है, तो ये इसका ये उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उसको क्या लगेगा आगे कि आगे पानी भरा हुआ है, जहां से हमें ये जो इमेज है वो दिखाई दे रही है। जैसे वो आगे पहुंचते हैं तो उसके लिए ये स्थिति जो क्रांति कोण से अधिक होने की घटना है आपतन कोण की, उसके लिए डिस्टेंस चाहिए कुछ, इसलिए वो वही दिखाई नहीं देगी जहां खड़े हमें यही दिखाई देगी, धूप तो यहाँ पर भी उतनी है और आगे भी उतनी है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ डिस्टेंस की जरूरत होती है, कुछ डिस्टेंस के बाद ही ऐसी घटना हमें दिखाई देगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी रंग मरीची का किसका एग्जाम्पल है, कोणार्धिक परावर्तन का। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं भाई कोणार्धिक परावर्तन के कोई दो उदाहरण लिखो, तो आपको केवल नाम लिखना है, एक नंबर के क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर डिफाइन करना है कि रंग मरीची का क्या है, तो आपको बताना है कि गर्मियों के दिनों में तेज धूप के समय रेगिस्तान में किसी व्यक्ति को या दर्शक को प्रेक्षक को आगे जलाशय होने का दृष्टि भ्रम होता है, इस घटना को ही रंग मरीची का कहते हैं। कारण क्या है उसके लिए कि जैसे जब तेज धूप होती है तो सतह के पास की वायु गर्म होकर फैलती है, उसकी कण दूर दूर हो जाते हैं, वहां विरल माध्यम होता है, उसकी तुलना में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं माध्यम की सघनता बढ़ती है और सघन होता जाता है, और ऊपर सघन माध्यम से जब प्रकाश के विरल माध्यम पर बढ़ती है तो विलंब से दूर हटती है, दूर हटते हटते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो देखने वाले को वहां उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और वही घटना क्या होती है, मृग मरीची का कहलाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, उसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो है ऑप्टिकल फाइबर। आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ये ऑप्टिकल फाइबर, संकेतों को भेजने की नवीनतम प्रणाली सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, नेट चलाने में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, वाईफाई लगा लेते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर का सिस्टम आ गया, अब ऑप्टिकल फाइबर डाली जाती है, उसका कनेक्शन अगर लगा लें तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा आती है, जो हम 4G स्पीड आती है उसकी भी तुलना में इसकी स्पीड वाई फाइबर से अगर चलाए नेटवर्क तो उसकी स्पीड उसकी तुलना में भी 10 गुना ज्यादा तेज आती है। ऑप्टिकल, अभी इसकी बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर है क्या, प्रकाशित तंतु कहते हैं इसको, ये इसमें दो तीन क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रकाशित तंतु क्या है या किस घटना पर आधारित है, तो कोणार्धिक परावर्तन पर आधारित है, क्या है तो उसमें बात करेंगे क्या है, फिर इसका उपयोग क्या है तीसरी बार, तो तीन दो तीन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर है क्या,
ऑप्टिकल फाइबर के कांच या क्वार्ट्स जो मटेरियल होता है उसकी बहुत पतली धागी नुमा संरचना होती है, बहुत पतली धागी नुमा, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या जो है वो इसकी माइक्रो की कोटि में होती है, 10^-6 इतनी बारीक होती है, बिल्कुल अपने सिर के जो बाल है उनसे भी बारीक इनको बनाया जाता है। और इन पतले बारीक धागों को एक गुच्छे के रूप में बनाए, एक धागा नहीं होता, बहुत से अनेक धागे हजारों धागे रहते हैं ऐसे लंबाई में रहते हैं, और इनको इकट्ठे करके गुच्छा बना के इन पर एक पाइप में डाल के जाता है। इस पाइप को कहते हैं प्रकाश नली, ऑप्टिकल पाइप कहते हैं इसको प्रकाश नली। और ये जो गुच्छे नुमा संरचना है और ये जो लंबी धागे नुमा संरचना है इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, तंतु तार, प्रकाशित तार। और दूसरा इसके अंदर क्या किया जाता है, इन्हें एक पाइप में डाल दिया जाता है और इस पाइप के ऊपर एक आवरण डाल लगा दिया जाता है, अन्य पदार्थ का। अब वो किस प्रकार से लगाया जाता है, उसके लिए प्रकाशित तंतु का जो अपवर्तनांक है उससे कम अपवर्तनांक का पदार्थ यूज किया जाता है, क्योंकि अपवर्तनांक किसको डिसाइड करता है, सघनता को विलंबता को डिसाइड करता है, अपवर्तनांक ज्यादा है इसका मतलब सघन माध्यम में कम है इसका मतलब विलंब माध्यम में। यदि मान ले कि अंदर अपवर्तनांक का मान 1.7 है तो बाहर ऐसे पदार्थ को लगा दे जिसका मान लेस देन 1.7 यानी 1.6 के दो, 1.5 के दो, 1.4 के दो, क्यों, क्योंकि अब पूर्णांतिक परावर्तन की घटना एक ही स्थिति में होगी जब प्रकाश किरण सघन से विरल हो जाए, तो बाहर अगर विरल माध्यम है अंदर सघन है तो सघन से विरल में आ गए तो ये घटना हो जाएगी। ये जो कंडीशन है, ये जो पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है इस परत को कहते हैं क्लेडिंग, इस प्रक्रिया को क्लेडिंग कहते हैं, आवरण। और इसके अंदर क्या होता है, वो पतले धागे नुमा गुच्छे जो है इसमें डाल दिए जाते हैं, इस नली को प्रकाश नली कहते हैं, ऑप्टिकल पाइप कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशित तंतु की अगर परिभाषा लिखनी है हमें तो क्या लिखेंगे कि एक अच्छे क्वालिटी के कांच या क्वार्ट्स क्रिस्टल की बहुत पतले धागे नुमा संरचना जिसकी त्रिज्या माइक्रो कोटि की होती है उसे प्रकाशित तंतु कहते हैं। इन प्रकाशित तंतुओं को, बहुत से प्रकाशित तंतुओं को इकट्ठा करके गुच्छे नुमा संरचना बना के उसे एक पाइप में डाल दिया जाता है और उसे प्रकाश नली कहते हैं। इसके माध्यम से संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के काम आता है ये, और इसमें एनर्जी लॉस जो है वो जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। तो अगर ये पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या काम आता है, तो संकेतों को बिना ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आता है, संकेतों को बिना ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम में आता है, इसे लाइट पाइप ही कहते हैं, प्रकाश नली। अब यहां क्या होगा, देखो जब इसमें प्रकाश भेजा जाएगा, इसमें प्रकाश भेजा जाएगा तो ये प्रकाश कौन से माध्यम अंदर, प्रकाशित तंतु है उनका अपवर्तनांक 1.7 है, बाहर एक परत चढ़ाई गई है अन्य पदार्थ की, ऐसा पदार्थ जिसका अपवर्तनांक अंदर वाले से कम है, मान लें 1.5 है, तो जैसे ही जाएगा तो किधर जा रहा है, सघन से विरल की ओर, बाहर विरल है अंदर सघन है, तो यहां आके इसके लिए आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण से अधिक होगा, तो ये प्रकाश के वापिस क्या होगी इसी माध्यम में घूम जाएगी, जब किधर आएगी तो इधर भी वही पदार्थ है, वही घटना इधर है, तो यहां से भी क्या होगा फिर वापिस लौट जाएगी। इस तरह से ये उधर हानि नहीं होगी, जितनी लाइट इधर गई पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होगी, पूरी पूरी रिफ्लेक्ट होगी इधर से गई फिर इधर से गई, ऐसे आगे से आगे कंटिन्यू चलती रहती है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है, ये होती है ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके उपयोग नॉर्मली मेलों में ये देखने को इजी नहीं है, एग्जांपल अगर अपने ले तो मेले में आराम से ये देखने को मिल जाते हैं, जहां पे मेले लगे हो एंट्री गेट पे जरूर ऐसे सामान मिलता है, कुछ सजावटी लैंप होते हैं जो इस तरह से बने रहते हैं, इस तरह से, और इनके अंदर बहुत से धागे इस तरह से निकलते रहते हैं और इनमें लाइट जलती रहती है, और हमें क्या लगता है कि लाइट यहां से चल रही है और यहाँ के डिस्ट्रॉय हो रही है, यहाँ चल रही है यहाँ के डिस्ट्रॉय हो रही है,
और कंटिन्यू जलती हुई दिखाई देती है, वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। उनमें क्या रहता है, नीचे बैटरी लगी रहती है और उनमें लाइट नहीं दी जाती है। अब ऊर्जा आगे उनमें होती नहीं है तो पूरी की पूरी लाइट आगे जाती हुई हमें दिखाई देती है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। तो इसका उपयोग क्या है, सजावटी सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर पूछ ले प्रकाश से तो क्या उपयोग है सजावटी सामान में, डेकोरेशन जो लाइटिंग वगैरह है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा एंडोस्कोपी में इसका उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडो गैस्ट्रोलॉजिस्ट दो होते हैं, एंडो गैस्ट्रोलॉजिस्ट ये होते हैं पेट के डॉक्टर जो पेट का इलाज करते हैं, पेट से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं, एंडोगैस्ट्रोलॉजिस्ट वो एंडोस्कोपी करते हैं। जब पेट में कोई प्रॉब्लम होती है किसी तरह की तो वहां जो प्रक्रिया की जाती है उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। उसके अंदर क्या किया जाता है, ऑप्टिकल जो फाइबर है इससे बनी जो लाइट फाइबर प्रकाश नली है वो मुंह के जरिए पेट में भेजी जाती है और उसमें क्या रहता है, लाइट रहती है, टॉर्च रहता है, वो उससे भेजते हैं। तो वो पूरी पूरी लाइट क्या होती है, एज इट इज जाती है इधर उधर, जो है डाइवर्ट नहीं होती है, कंप्लीट पहुंचती है और कंप्लीट उसको अंदर का जो पार्ट है देखने के और इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टर जो है वो चिकित्सा में इसका जो उपयोग है वो करते हैं। फिर इसके लिए जो संकेत है, संकेत ऑडियो वीडियो ये संकेत भी इनसे बहुत अच्छी गुणवत्ता से अधिक मात्रा में भेजे जा सकते हैं। संकेतों को एक पॉइंट से एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य ये इसके उपयोग है, पूर्णाधिक प्रावर्तन के मुख्य उदाहरण है ये, जिनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आपको ऑप्टिकल फाइबर क्या है पहली बात, दूसरी बात प्रकाश नली क्या है ये पूछ लेते हैं, प्रकाश तंतु क्या है ये पूछ लेते हैं, और इनके जो आवरण है क्लेडिंग है ये क्लेडिंग को हिंदी में लिख देते क्लेडिंग क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर में ऊपर एक अन्य पदार्थ की जिसका वर्तमान फाइबर की तुलना में कम होता है उसकी परत चढ़ जाती है, उस परत को क्लेडिंग कहते हैं। और फिर इसके उपयोग है किसमें, इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा में किया जाता है, संकेतों के दूसरी जगह भेजने में किया जाता है, सजावटी कैंप में किया जाता है। इसके अलावा हृदय का समर्थना मरीचिका ये सब इसके उदाहरण है। तो आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, अपनी लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कोई बुक की हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि मरीचिका क्या है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में जलाशय होगा भ्रम होना मरीचिका है, ऐसे क्वेश्चन आपके से एक नंबर में आते हैं तो बहुत ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आप शोल्ड में केवल जो बात पूछेगी एक या डेढ़ लाइन में दो लाइन में बता सकते हैं। इनमें भी क्वेश्चन आता है एक नंबर में आता है, उपयोग पूछा गया तो वही एक उपयोग एक पूछ रहेगा दो पूछ रहे मैक्सिमम, तो दो तीन ध्यान रखो वो लिख सकते हैं। फिर इनमें पूछ रहे तो क्लेडिंग क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, प्रकाश नली क्या है, प्रकाश तंतु क्या है, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बता सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।